नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप का या तो कंप्यूटर की स्क्रीन अगर डार्क है तो उसको फुल कैसे करें, और फुल है तो उसको डार्क कैसे करें, इसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। सिर्फ दो मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप या तो कंप्यूटर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको विंडो ओपन कर लीजिए। विंडो ओपन करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से एक ऑप्शन कंट्रोल पैनल करके है, तो उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे फिर से ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपको जाना है डिस्प्ले पर, तो मैं डिस्प्ले को ओपन कर लेता हूँ। डिस्प्ले को ओपन करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा, और यहाँ आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, एडजेंस ब्राइटनेस, तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो तरह का ऑप्शन मिल जाएंगे, बैलेंस सेट एंड पावर सेवर। अगर पावर सेवर रखोगे तो आपकी जो लैपटॉप की जो बैटरी है वो ज़्यादा देर तक टकेगी, और बैलेंस सेट रखोगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और बैटरी जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो। यह स्क्रीन रिकॉर्ड है इसलिए ब्राइटनेस कम या बढ़ती है वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसे मैं आपको क्लोज कर देता हूँ, और मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे आपकी जो कीबोर्ड है उस पर उससे ही आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो यह है आपका लैपटॉप का या तो कंप्यूटर का कीबोर्ड। इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो F सीरीज की लाइन है, और इसमें भी लास्ट जो है F12 और F11। F11 अगर आप प्रेस करोगे तो ब्राइटनेस जो है वो कम होगी, और F12 को अगर प्रेस करोगे तो ब्राइटनेस जो है वो बढ़ेगी। इस तरह आप कम भी कर सकते हो और आप बढ़ा भी सकते हो। तो ये दो तरीके से आप ब्राइटनेस जो है वो कम कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद भी आप ब्राइटनेस कम और बढ़ा सकते हो, या तो सीधा आप कीबोर्ड में ये 11 और 12 का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके भी आप ब्राइटनेस कम या बढ़ा सकते हो।